मूली भी रखा है क्योंकि कोरोना की हुई थर्ड लेयर जो आने वाली है उससे डरते हुए और उसके ऊपर काशन रहते हुए ये सारी चीज़ों के ऊपर काम किया। जय प्रदर्श सिंह जी का विभाग हुआ है, ये दो चीज़ों को लेकर के हमने इसका जो बाल मेला कमेटी ने डिसाइड किया कि इसका साइज जो है वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक रखिए। चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जिसको लोग प्यार करते होंगे, जो विजनरी होगा, जिसके पीछे पूरा प्रदेश चलेगा, तो इसके लिए इंतजार करूँ भाई लोगों की। लोगों की ये कतारें अपने नेता के जन्मदिन को सार्थक बनाने की होड़ में दिखाई दे रही है। ओबीसी भवन नगरोटा बगवा में बाल मेला कमेटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जीएस बाली ने रिबन काट कर किया। चूंकि नगरोटा बगवा में हर साल जीएस बाली का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से बाल मेला कमेटी मनाती है, लेकिन इस मर्तबा कोविड प्रोटोकॉल और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के चलते हर साल होने वाले जश्न को बाल कमेटी ने रद्द कर दिया। लेकिन लोक कल्याणकारी योजनाओं को कोविड नियमों के तहत पूरा करने पर भी काफी जोर देखा गया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीएस बाली ने बाल मेला कमेटी के कार्यों की काफी सराहना की। कोरोना है, कोरोना के साथ साथ हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री वीरभद्र सिंह जी का देहांत हुआ है, ये दो चीज़ों को लेकर के हमने इसका जो बाल मेला कमेटी ने डिसाइड किया कि इसका साइज जो है वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक रखी हुई, गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक 200 से ज़्यादा लोग एक समय पर कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जो बाल मेला पहले होता था मेडिकल कैंप और बच्चों के लिए हाथी ऊँट और झूलने ये सारी चीज़ें उसमें 25-30-40 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो अब तो उस स्तर का नहीं हो करके हमने कमेटी ने ये डिसाइड किया कि ब्लड डोनेशन कैंप जो आज चला हुआ है और तकरीबन 200 बच्चे उसमें ब्लड डोनेशन देंगे। जीएस बाली ने बताया कि बाल मेला कमेटी पहले की तरह जरूरतमंद लोगों को कोरोना के नियमों का ख्याल रखते हुए उनकी मदद कर रही है। जिनको आंखों के ऑपरेशन नहीं हो पाते थे ओवर द पीरियड, वो हमने आंखों के ऑपरेशन कराने का कमेटी ने फिर फैसला लिया। अब सिर्फ एक ही पहले यही टेस्ट होते थे कैंप में, अब कैंप में क्योंकि वो हजारों की तादाद में आ जाते हैं तो कैंप अभी कैंप में तो नहीं होंगे, पर टांडा मेडिकल कॉलेज से या मरंडा रोटरी आई सेंटर से अगर वो सर्टिफाई कर देते हैं कि इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम उसका ऑपरेशन का सारा खर्चा जो है बाल मेला कमेटी देगी और मरंडा में हम उनके हमारा उनके साथ मरंडा रोटरी क्लब के साथ एग्रीमेंट है, वहाँ पर हम सारे ऑपरेशन कराएंगे। आई ऑपरेशन की हमारी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी 15 दिन में 20 दिन में हमें जितने भी लोग दे देंगे, चाहे हजार हो, नॉर्मली 1000-1200 कराते हैं, हम पूरा साल चलते हैं तो हम कराते रहेंगे ऑपरेशन, किसी की कोई दिक्कत नहीं। बाल मेला कमेटी ने डिसाइड किया कि नगरोटा बगवा के ऐसे 7 या 8 बच्चे हर साल, मतलब आप यू कैन अंडरस्टैंड ये 40 हो जाएंगे ओवर द पीरियड, 8 बच्चे हर साल जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए और गवर्नमेंट स्कूल में जो टॉप करेंगे और वो आगे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें प्रोफेशनल कोर्स को जाते हैं, उन बच्चों को 8 बच्चों को 2000 रुपये पर मंथ अगले 5 साल के लिए जो है वो बाल मेला कमेटी जो है वो स्पॉन्सर करेगी। कैंप में काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान जीएस बाली ने रक्तदान कर रहे लोगों को खास तौर पर कोरोना किटें बांटी। हालांकि रक्तदान का आयोजन लोक कल्याण के लिए था, लेकिन अब मीडिया के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता हों और राजनीतिक सवाल पत्रकार उनसे न पूछे ऐसा हो नहीं सकता था, लिहाजा पत्रकारों के कांग्रेस की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार पर भी सवाल दागे गए, जिसका जवाब जीएस बाली ने कुछ यूं दिया। मैंने पहले भी कहा चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जिसको लोग प्यार करते होंगे, जो विजनरी होगा, जिसके पीछे पूरा प्रदेश चलेगा, तो इसके लिए इंतजार करो भाई, सब बड़ी होगी।
गौरतलब है कि बाल मेला कमेटी जीएस बाली के जन्मदिन से एक दिन पहले ही तमाम जश्न और लोगों की मदद के लिए कार्यक्रम शुरू कर देती है। इस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन में अहम भूमिका निभा रहे टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सौरभ पूरे कार्यक्रम की निगरानी करते दिखाई दिए। डॉक्टर सौरभ ने इस दौरान रक्तदान के लिए जहां धन्यवाद किया, वहीं जीएस बाली के दीर्घायु होने की कामना भी की। बाल दिवस के उसमें हर साल जो कैंप किया जाता है, इस साल वही कैंप ये चल रहा है और काफ़ी उत्साह है जनरल पब्लिक में ब्लड देने के लिए। हर साल में बाल मेला के दिवस में जब कैंप लगता है तो 100 से ऊपर ही डोनेशन होती है, तो इस बार भी हमें लगता है वो आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा दिखी। युवाओं का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। आज जीएस बाली जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो इसी शिविर को सफल बनाने के लिए हम रोहतास से डोनर्स को लेकर आए हैं और हम यही कामना करते हैं कि जीएस बाली जी की लंबी उम्र हो और हर साल की तरह ये रक्तदान शिविर चलता रहे। मैं बाली जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे आया हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए, जिससे हम एक दिन भी जा सकते हैं और इसी के लिए बहुत ज़्यादा मदद भी हो सकती है। कोरोना के प्रभाव में भी बाल मेला कमेटी ने रक्तदान समेत लोगों को घर तक मदद पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, वह किसी भी जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का एक बेहतरीन तरीका है। समाचार फर्स्ट के लिए मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट।